दोस्तों, आज हम आपके लिए जो HVAC से रिलेटेड एक स्पेशल वीडियो लेके आए हैं। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये इसके बारे में एक दोस्त ने भी पूछा था मेरे से, तो मैंने कहा कि मैं इसके ऊपर एक कंप्लीट डिटेल से आपको वीडियो के अंदर समझा दूं कि ये बेसिकली ये जो रॉड आपको नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं हम एलिमिनेटरी रॉड। ठीक है, ये हम अगर आप सेंट्रल एयर कंडीशनिंग से रिलेटेड है तो अक्सर जगह पे आपने HVAC की जो सप्लाई है, डक्ट्स हैं, उनके अंदर आपने ये रॉड देखा होगा। अब इसके ऊपर हम क्या डिस्कस करेंगे, इसकी लोकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये किस जगह पे हो सकता है, इसका मकसद क्या है यूज करने का। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे इस HVAC टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि HVAC से रिलेटेड जो भी वीडियोस अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो एलिमिनेटर रॉड्स होते हैं, ये हम HVAC के अंदर, जैसे कि आपका AHU है, DX AHU, जो डायरेक्ट एक्सपेंशन AHU होते हैं, या वो है आपकी जो सप्लाई एयर की डक्ट होती है, ये उसके अंदर हम यूज करते हैं। अब यूज, इसकी लोकेशन भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा, लेकिन इसका मकसद क्या होता है सबसे पहले आप उसको समझिए। दोस्तों, आपको पता है कि जो हम HVAC के अंदर AHU की डक्ट्स होती है, सप्लाई एयर डक्ट्स, इनकी पूरी कैलकुलेशन, जो मेन डक्ट होती है उसकी भी कैलकुलेशन करके, साइज पूरा CFM वगैरह इसके साइज करके पूरे डिजाइन किए जाते हैं। उसके बाद मेन सप्लाई एयर डक्ट है, जो आपकी ब्रांचेज निकलती हैं, उसकी भी पूरी साइजिंग की जाती है, उसकी भी पूरी कैलकुलेशन की जाती है। अब आप कहेंगे जब इनकी पूरी कैलकुलेशन की जाती है, ये बेसिकली हम किसी भी एरिया के अंदर CFM को कंट्रोल करने के लिए एक मैनुअली मेथड होता है। अब इसको फिर जरूरत क्यों पेश आती है, आप कहेंगे कि इसकी पूरी डक्ट है, चाहे वो आपकी 3-way T है डक्ट के अंदर, या आपकी Y ब्रांच है, इसके अंदर भी पूरी कैलकुलेशन करके आपकी ये ब्रांच निकाली गई है, और ये जो T बनाई गई है ये भी पूरी कैलकुलेशन करके बनाई गई है। फिर इस रॉड का मकसद क्या हुआ लगाने का, इस रॉड का मकसद मैं आपको सिंपल से वर्ड में बना देता हूँ कि यहां से आपकी मेन सप्लाई आ रही है, मेन सप्लाई एयर आ रही है इसके अंदर। अब दोनों जून बनाए गए हैं, इसके अंदर भी डिफरेंट जून है, ये भी ड्रून है। अब यहाँ पे जो डिजाइनिंग की गई थी, वो एरिया 10 फुट बाय 10 फुट का रूम था, या 20 बाय फुट, जितना भी एरिया था, वो एक डिजाइन के मुताबिक हमने उसे CFM छोड़ दिया। अब कोई 10-20 साल बाद, 5 साल बाद, उसके अंदर कोई चेंजिंग होगी, इस रूम के अंदर भी चेंजिंग होगी, इस रूम के अंदर भी चेंजिंग होगी, या फिर ये भी हो सकता है कि 10 लोग बैठते थे पहले, फिर इसमें 15 लोग बैठना शुरू हो गए, इसके अंदर 10 लोग बैठते थे, इसमें 5 लोग बैठना शुरू हो गए। इस तरह की जब चेंजिंग हो जाएगी होती है, तो फिर आपको इस एलिमिनेटर रॉड की जरूरत पड़ती है। अगर आपने डक्ट जब आप इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो इसके अंदर आपने एलिमिनेटर रॉड नहीं रखा होगा, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो अभी हमारे पास इस डक्ट के अंदर एलिमिनेटर रॉड होगा, तो हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे 20 लोग बैठना शुरू हो गए, तो अब हमें वहां पे एयर फ्लो या एरिया बढ़ गया, उसके अंदर एक मजीद डिफ्यूजर अगर आपने ऐड करना है, तो फिर आप क्या करेंगे, इसमें ये जो एलिमिनेटर रॉड है इसकी मदद से हम इसका एयर फ्लो बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर इस साइड पे आपका एयर फ्लो कम हो जाएगा। अगर आपका ये एलिमिनेटर रॉड नहीं होगा तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको पूरी डिजाइनिंग चेंज करना पड़ेगी। अब इसके अंदर क्या होता है, ये बेसिकली रॉड आपका डक के बाहर आया होता है, इसके आगे एक डोर होता है, बेसिकली आपका पूरी जितनी भी आपकी डक्ट की थिकनेस होती है उतना आपका ये आपका डोर इसके अंदर होता है, ये कनेक्टेड होता है रॉड के साथ। अब ये रॉड डक्ट के बाहर आता है, जो सिंपल सा आपको नजर आ रहा है। अब आप इसका क्या मतलब, अगर आप इस जगह पे एयर को बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, इस रॉड को आप बाहर की साइड पे पुल कर देंगे। अब जब आप इस रॉड को बाहर की साइड पे पुल करेंगे, तो ये जो डोर है ये बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा, ठीक है, यहां से ये फिर इस जगह पे आ जाएगा। अब जब ये इस जगह पे आ जाएगा, तो फिर आपका यहाँ पे ये एरिया बढ़ गया, ठीक है, इसके पीछे आपकी कोई नहीं, आपकी मेन ब्रांच है, तो फिर आपकी एयर इस साइड पे ज्यादा जाना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जब आपकी एयर इस साइड में ज्यादा जाना शुरू हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली वहां पे आपके CFM रिक्वायर्ड CFM भी पूरे हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे कम हो जाएंगे, क्योंकि ये आपका रूम छोटा हो चुका है, यहाँ यहाँ पे लोग कम हो चुके हैं, इस तरह के सिनेरियो हो तो फिर ये एलिमिनेटर रॉड कम होता है। अच्छा, उसके बाद अगर आप इस रूम का बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, इस रॉड को आप आगे की तरफ पुल कर देंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, फिर आपका यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे यह रास्ता कम हो जाएगा, तो फिर आपका यहाँ पे एयर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। सेम सिनेरियो आपका यहाँ पे भी है, ये बेसिकली Y ब्रांच है, ये T थी, ये Y ब्रांच है, इसको भी अगर आप यहाँ से आगे की तरफ
पुल करेंगे तो यहाँ पे ये नीचे चला जाएगा और यहाँ पे इस ब्रांच का आपका फ्लो कम हो जाएगा। और अगर आप इसको बाहर की साइड पे इस राड को पुल करेंगे तो फिर क्या होगा कि ये आपका यहाँ पे फ्लो कम हो जाएगा, यहाँ पे फ्लो बढ़ जाएगा, ये जो रास्ता है ये आपका बढ़ जाएगा, यहाँ पे एयर का प्रेशर बढ़ जाएगा और ये आपका यहाँ पे चला जाएगा। इसको आप 100% क्लोज भी कर सकते हैं, यानी कि ये इतना डोर होता है कि अगर आप इसको फुल बंद कर देंगे तो ये यहाँ से इस तरह इसके साथ अटैच हो जाएगा। और अक्सर जगह पे इसके अंदर जो मेन प्रॉब्लम आती है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये चीजें प्रैक्टिकल दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाए। जो इस चीज यहाँ पे मिस हुई है वो मैं आपको प्रैक्टिकल चीज दिखा दूंगा, ये राड किस तरीके से कनेक्ट होता है, ये इसके अंदर मेन प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, ये बेसिकली इसका एडवांटेजेस है कि अगर आप कहीं पे चेंजिंग वगैरह करना चाहते हैं, एयर फ्लो वगैरह बाद में कुछ चेंजिंग हो सकती है रूम्स वगैरह की, तो फिर ये जहां पे भी आप वाई थ्री वे टी यूज करें या आप इसके अंदर ब्रांचेस वगैरह मेन ब्रांचेस के अंदर आप इस एलिमिनेटर राड को लाजमी रखें। आई होप इसके बारे में आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका मजीद जो प्रैक्टिकल में भी दिखाने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतने, अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें।